अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं क्लास KG 2 की टीचर मिसरा। आइए हम इंग्लिश बुक का काम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 15, एनिमल। लोग रीड एंड राइट। हमें एनिमल्स पिक्चर्स हमें गिवन है, हमारे पास नज़र आ रही हैं आप लोगों को यहाँ पिक्चर। हमें पिक्चर देखनी है, हमें यहाँ रीड करना है और राइट करना है, ठीक है। पिक्चर है हमारे पास लॉइन, तो लॉइन की स्पेलिंग लिखी हुई है LION, लॉइन। इस तरह हमें यहाँ पर कॉलम में लिखना है LION, लॉइन। इस तरह आपको रीड करना है। एक कॉलम मैंने आपको लिख के दिखा दिया, सेकंड कॉलम आपको खुद फिल करना है। इस तरह आ जाए, सेकंड इज डॉग, DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। इस तरह आपको यहाँ स्पेलिंग लिखनी है डॉग की, DOG, डॉग। इस तरह आपको स्पेलिंग रीड करनी है, यहाँ राइट लिख करनी है और सेकंड कॉलम आपको खुद फिल करना है। थर्ड इज शीप, SHEEP, शीप। शीप मीन्स भेड़िया। इस तरह आपको स्पेलिंग रीड करनी है, यहाँ पर राइट करनी है शीप, SHEEP, शीप। आपको यहाँ लिखनी है, इस कॉलम में आपको खुद लिखनी है, ठीक है। फोर्थ इज डंकी, डंकी मीन्स गधा, DONKEY, डंकी। डंकी मीन्स गधा। आपको यहाँ स्पेलिंग में लिख के दिखा रही हूँ, DONKEY, सेकंड कॉलम में आपको लिखनी है, ठीक है। जिराफे, GIRAFFE, जिराफ। यहाँ आपको स्पेलिंग लिखनी है GIRAFFE, जिराफ। सिक्स इज रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश। आपको यहाँ रैबिट की स्पेलिंग लिखनी है, RABBIT, रैबिट। इस तरह आपको दोनों कॉलम खुद फिल करने हैं, रीड करनी है और राइट करने हैं। पेज नंबर 16, एनिमल होम। रीड एंड राइट, जानवरों के घर। रीड एंड राइट, हमें रीड करना है और राइट करना है, हमें लिखना है और हमें याद करना है। लॉइन लिव्स इन अ डेन, डेन, DEN, डेन। डेन किसे कहते हैं? गार को। लॉइन्स कहाँ रहते हैं? डेन में। शेर कहाँ रहता है? गार में। अब यहाँ लिखेंगे हम डेन की स्पेलिंग, DEN, डेन। लॉइन लिव्स इन अ डेन। फेंस, फेंस कहते हैं बाड़ को, ठीक है। शिप्स लिव इन अ फेंस, फेंस कहते हैं बाड़ को। हम यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग फेंस की देखकर, FENCE, फेंस, ठीक है। अब आ जाए इधर, रैबिट लिव्स इन अ बोरो। बोरो कैसे कहते हैं? रैबिट्स कहाँ रहते हैं? ज़मीन के अंदर, ठीक है। BURROW, बोरो। बोरो मीन्स बिल। हमें यहाँ स्पेलिंग देखकर लिखनी है, ठीक है। BURROW, बोरो। कैनल, कैनल मीन्स डॉग हाउस। कार्टून्स वगैरह में आप लोग देखते हैं जिस तरह डॉग हाउस बने हुए होते हैं उसे कहते हैं कैनल, ठीक है। डॉग लिव्स इन अ कैनल। कैनल की स्पेलिंग हमें यहाँ से देख के लिखनी है, KENEL, कैनल। पेज नंबर 17, आइडेंटिफाई। Look at the alphabet and circle the picture which begins with it. हमें
अल्फ़ाबेट देखने हैं और हमें पिक्चर्स आइडेंटिफाई करनी है, मतलब पहचाननी है कौन सी अल्फ़ाबेट से कौन सी पिक्चर है हमारे पास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा अल्फ़ाबेट है हमारे पास? जे। जे फॉर हैमर, जे फॉर जेली, जे फॉर फैन, नो। जे फॉर हैमर है, नो। जे फॉर जेली है, यस। अब जेली पे आपको सर्किल बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप लोगों को हाथ फेरना है। ठीक है, अब आ जाए सेकंड पे। के, सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है हमारे पास? के। सेकंड अल्फ़ाबेट है के। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है के फॉर कौन सी पिक्चर हमारे पास है। के फॉर किंग, के फॉर हनी, नो। के फॉर ग्लू, नो। के फॉर कौन सी पिक्चर है हमारे पास? के फॉर किंग। तो हमें किंग पे क्या करना है? सर्किल करना है। आइए सर्किल करते हैं। इस तरह के फॉर किंग पर हमें सर्किल करना है। ठीक है, आइए थर्ड अल्फाबेट है हमारे पास एल। एल फॉर कार, नो। एल फॉर कैटल, नो। एल फॉर लॉक, यस। लॉक पे हमें क्या करना है? सर्किल करना है। एल फॉर लॉक, लॉक पर क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। इस तरह करके लॉक पर सर्किल कर देंगे। पेज नंबर 18, रीड एंड राइट। हमें रीड करना है और राइट करना है। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट मौजूद है हमारे पास। अब हमें देखना है इस अल्फ़ाबेट से कौन सी पिक्चर है। ठीक है, और स्पेलिंग हमें यहाँ मौजूद है, हमें रीड करनी है। जे फॉर जेली, जे ई डबल एल वाई, जेली। जेली की स्पेलिंग हम रीड करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे। जेली मीन्स जेली। आइए स्पेलिंग लिखते हैं, जे ई डबल एल वाई, जेली। जेली मीन्स जेली। सेकेंड इज जे फॉर जीप, जे डबल ई पी, जीप। जीप मीन्स जीप। जीप की स्पेलिंग हम रीड करेंगे और नीचे राइट करेंगे कॉलम में, जिस तरह मैं आपको राइट करके बता रही हूँ। जे डबल ई पी, जीप। जीप में जीप। आइए अब नीचे के अल्फाबेट है हमारे पास। कौन सा अल्फाबेट मौजूद है? के। के फॉर किंग, किंग मीन बादशाह। ठीक है, के फॉर किंग, किंग मीन बादशाह। स्पेलिंग रीड करेंगे, के आई एन जी, किंग। किंग की स्पेलिंग रीड करेंगे और नीचे राइट करेंगे, के आई एन जी, किंग। के फॉर कैंगरू, के ए एन जी ए आर डबल, कैंगरू। कैंगरू मीन्स कैंगरू। लिखेंगे नीचे कैंगरू की स्पेलिंग, के ए एन जी ए डबल आर ओ W, kangaroo। L for loin, loin में शेर। loin की स्पेलिंग L I O N, loin। अब नीचे स्पेलिंग लिखेंगे इसकी, L I O N, loin। इस तरह L for lamb, lamb में भेड़िया। तो स्पेलिंग नीचे कॉलम में लिखेंगे, L A M B, lamb। पेज नंबर 19, बर्ड्स, परिंदे। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। लुक रीड एंड राइट। हमें देखना है, रीड करना है और लिखना है। पैरोट, पैरोट, पैरोट की स्पेलिंग P A डबल आर ओ टी, पैरट। पैरट मीन्स तोता, पैरट मीन्स तोता। इस तरह आपको स्पेलिंग रीड करनी है और यहाँ दो कॉलम है, एक कॉलम में आपको लिख के बता रही हूँ। इस तरह आपको दोनों कॉलम को फिल करने हैं। पैरट पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। सेकेंड इज हैन, हैन मीन्स मुर्ग,
मुर्गा, हैंड मीन्स मुर्गा। आप लोगों को स्पेलिंग्स रीड करनी है एच ई एन हैन, और कॉलम में लिखनी है दोनों कॉलम्स में एच ई एच ई एन हैन, हैन में मुर्गा। आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, इस तरह आपको दोनों कॉलम खुद फिल करने हैं। मैं आपको लिख के बता रही हूँ इस तरह लिखना है। आइए, थर्ड इज डग, डी यू सी के डग, डग में बत्तख, डग में बत्तख। डग की स्पेलिंग डी यू सी के डग, डग में बत्तख। आउट, ओ डब्ल्यू एल आउट, आउल में उल्लू, आउल में उल्लू। स्पेलिंग लिखेंगे ओ डब्ल्यू एल आउल, आउल में उल्लू। क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो मीन्स कौआ, क्रो क्रो मीन्स कौआ। क्रो की स्पेलिंग सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो मीन्स कौआ। पिजन, पी आई जी ई ओ एन पिजन, पिजन में कबूतर, पिजन पिजन में कबूतर। आइए स्पेलिंग लिखते हैं पी आई जी ई ओ एन पिजन, पिजन में कबूतर। पेज नंबर 20, पेज हमारे पास 20। प्रोग्रेस चेक, कलर द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, हमें पिक्चर पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ साइड में पिक्चर्स मौजूद हैं, हमें कलर करना है और कलर द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। जो पिक्चर है बनी हुई है हमारे पास, उसके देखना है कौन सी पिक्चर है हमारे पास और उस पर हमें सर्कल करना है वर्ड्स पर। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी पिक्चर है। पहली हमारे पास पैरट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट, डी ओ एन के ई वाई डंकी, एल आई ओ एन लाइन। तो उसमें हमें किस पे सर्कल करना है, कौन सी पिक्चर की मैंने हमारे पास पैरट, तो हमें पैरट पर सर्कल करना है, हमें करेक्ट वर्ड्स पर सर्कल करना है। जो पिक्चर आपके पास गिवन है, मौजूद है पिक्चर, उसके करेक्ट वर्ड्स पर आपको सर्कल करना है। पैरट की पिक्चर हमारे पास गिवन है और पैरट की स्पेलिंग भी, तो हमें पैरट पर क्या करना है, वर्ड पर सर्कल करना है। इस तरह करके हम सर्कल करेंगे पैरट पर और कलर करेंगे। कलर्स आप लोग खुद करेंगे पिक्चर पर, सारी पिक्चर्स पर जो मौजूद है हमारे पास आप लोगों को कलर करना है। और यहाँ सर्कल में करके बता रही हूँ, इस तरह आप लोगों को सर्कल करना है। आइए सेकंड इज डक, डी यू सी के डक, डी ओ जी डॉग, एच ई एन हैन। कौन सा पिक्चर मौजूद है हमारे पास, हैन की, तो हमें हैन पे क्या करना है, सर्कल। जो पिक्चर मौजूद है हमें उसी वर्ड पर सर्कल करना है, करेक्ट वर्ड पर। हैन मौजूद है, हैन पर हमें सर्कल करना है, हैन वर्ड्स पे। इस तरह हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब आइए शीप, एस एच डबल ई पी शीप, ओ डब्ल्यू एल आउल, डी यू सी के डक। ठीक है, तो हमें किस पे सर्कल करना है, आउल पे। कौन सी पिक्चर मौजूद है हमारे पास, आउल, आउल मीन्स उल्लू। ठीक है, शिप मीन्स दुम्बा, आउल मीन्स उल्लू, डक मीन्स बत्तख। तो हमारे पास कौन सी पिक्चर मौजूद है, आउल, और हमें आउल वर्ड्स पर क्या करना है, वर्ड पर सर्कल करना है। इस तरह है कैट, सी ए टी कैट, एच ई एन हैन, पी आई जी ई ओ एन पिजन। कौन सी पिक्चर गिवन है हमारे पास,
पिजन की, पिजन में कबूतर, तो हम पिजन पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, इस तरह करके हम इस पे सर्कल करेंगे। डक, डी यू सी के, डक, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू स्पैरो, बी ई आर बियर। तो कौन सी पिक्चर गिवन है हमारे पास, डक, हमें डक की पिक्चर हमारे पास मौजूद है, तो हमें किस पे सर्कल करना है, डक पर, डक मीन्स बत्ता, हमें डक पे क्या करना है, वर्ड पर, डक वर्ड पर सर्कल करना है। सरा नीचे आइए, आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रॉक, एच ई एन हेन। तो कौन सी पिक्चर गिवन है हमारे पास, क्रॉ की, तो हमें क्रॉ पे क्या करना है, सर्कल, क्रो वर्ड पे हमें क्या करना है, सर्कल, क्रो मीन्स कौआ, हमें क्रॉ पे क्या करना है, सर्कल करना है। अब नीचे आइए, नीचे स्पैरो, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू स्पैरो, ई ए जी एल ई ईगल, सी ओ डब्ल्यू काउ, तो हमें कौन सी पिक्चर है हमारे पास यहाँ पर मौजूद, स्पैरो, स्पैरो मीन्स चुड़िया, तो हमें स्पैरो पे क्या करना है, सर्कल करना है, स्पैरो पर हमें सर्कल करना है। पेज नंबर 21, आइडेंटिफाई, लुक एट द अल्फाबेट एंड सर्कल द पिक्चर विच बिगिंस विथ इट। ये काम हमने पीछे भी किया था और अब दोबारा करते हैं। आइए, बस कौन सा अल्फ़ाबेट मौजूद है हमारे पास, एम, हमें अल्फ़ाबेट हमारे पास मौजूद है, हमें पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है, मतलब पहचाननी है, ठीक है। एम फॉर जैकेट, नो, एम फॉर मंकी, यस, एम फॉर नेल, नो, तो एम फॉर मंकी, मंकी पर सर्कल हुआ हुआ है, इस पर आप लोगों को हाथ फेरना है, एम फॉर मंकी, मंकी मीन्स बंदर, तो इस पर आप लोगों को क्या करना है, हाथ फेरना है। सेकेंड इज एन, कौन सा अल्फाबेट मौजूद है हमारे पास, एन, एन फॉर लेग, नो, एन फॉर लॉइन, नो, एन फॉर नेस्ट, यस, तो हमें किस पे सर्किल करना है, हमें नेस्ट पे, नेस्ट में घोंसला, ठीक है, हमें नेस्ट पे क्या करना है, सर्किल करना है। आइए सर्किल करते हैं, इस तरह हमें नेस्ट पे सर्किल करना है, इस तरह, ठीक है। आइए थर्ड अल्फाबेट हमारे पास मौजूद है, ओ, ओ फॉर ऑयल, ओ फॉर मैग्नेट, ओ फॉर कैटल, ओ फॉर ऑयल, यस, ओ फॉर मैग्नेट, नो, ओ फॉर कैटल, नो, ओ फॉर ऑयल, तो हमें ऑयल पे क्या करना है, सर्कल करना है। आइए सर्कल करते हैं, ओ फॉर ऑयल। 22, पेज नंबर है हमारे पास 22, रीड एंड राइट, हमें रीड करना है और राइट करना है, ठीक है, ये काम भी हम पहले कर चुके हैं, दूसरे अल्फाबेट है, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, मंकी मीन्स बंदर, एम फॉर मंकी, मंकी मीन्स बंदर, इस तरह हमें स्पेलिंग रीड करनी है। आइए स्पेलिंग रीड करते हैं, एम ओ एन के ई वाई, मंकी, मंकी मीन्स बंदर, इस तरह हमें रीड करनी है और नीचे कॉलम दिया हुआ है, यहाँ राइट करनी है। आइए राइट करते हैं, एम ओ एन के ई वाई, मंकी, एम फॉर मंकी, मंकी मीन्स बंदर, एम फॉर माउस, माउस में चूहा, माउस में चूहा। आइए स्पेलिंग रीड करें, एम ओ यू एस ई, माउस, माउस में चूहा, स्पेलिंग लिखेंगे नीचे कॉलम में, एम ओ यू एस ई माउस, इस तरह आपको कॉलम में स्पेलिंग खुद लिखनी है। एंड फॉर नर्स, नर्स में नर्स, एंड फॉर नर्स, नर्स की स्पेलिंग रीड करेंगे, एन यू आर एस ई नर्स, नर्स की स्पेलिंग लिखेंगे,
एंड यू आर एस ई नर्स, नर्स में नर्स. एंड फॉर नेस्ट, एंड फॉर नेस्ट, नेस्ट में घोंसला. नेस्ट की स्पेलिंग एन ई एस टी, नेस्ट, नेस्ट में घोंसला. नेस्ट की स्पेलिंग लिखेंगे नीचे एन ई एस टी, नेस्ट. थर्ड अल्फाबेट है हमारे पास ओ, ओ फॉर अनियन, ओ फॉर अनियन, अनियन मीन्स प्याज. ओ फॉर अनियन, अनियन मीन्स प्याज. ओ एन आई ओ एन, अनियन, अनियन मीन्स प्याज. ओ एन आई ओ एन, अनियन. इस तरह आपको स्पेलिंग लिखनी है खुद कॉलम में. ओ फॉर ऑयल, ऑयल मीन्स तेल. ओ ऑयल की स्पेलिंग लिखेंगे ओ आई एल, ऑयल, ऑयल मीन्स तेल. पेज नंबर 23, डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम. ठीक है, रीड, ट्रेस एंड राइट. हमें रीड करना है, ट्रेस करना है एंड राइट करना है, मतलब पढ़ना है हमें और हाथ फेरना है और लिखना है. तो आइए हम रीड करते हैं, फिर हम ट्रेस करेंगे और राइट. ठीक है, मंडे, मंडे की स्पेलिंग एम ओ एन डी ए वाई, मंडे. मंडे में पी, यहाँ हमने ट्रेस किया है और यहाँ हम खुद लिखेंगे. इस कॉलम में आपको खुद लिखनी है एम ओ एन डी ए वाई, मंडे. सेकेंड है ट्यूसडे, मंडे किसे कहते हैं, पीर को. ट्यूसडे टी टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे. ट्यूसडे मीन्स मंगल, ट्यूसडे कहते हैं मंगल को. इस तरह आप लोगों को स्पेलिंग एक रीड करनी है, इस पर ट्रेस करनी है, हाथ फेरना है और सेकंड कॉलम में खुद लिखना है टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे. ठीक है, ये दो स्पेलिंग्स मैंने आपको लिख के बताई है. इस तरह पूरा पेज आपको नज़र आ रहा है, इसको इस पर आपको ट्रेस करना है, मीन्स इस सारे स्पेलिंग्स में आपको हाथ फेरना है, रीड करना है, पढ़ना है, हाथ फेरना है और सेकंड कॉलम नज़र आ रहा है जिस तरह मैंने यहाँ लिख के दिखाया है, ये आप लोगों को खुद फील करनी है, यहाँ से देख कर यहाँ फील करनी है, रीड करनी है और यहाँ राइट करना है. ठीक है, पेज नंबर 24, डेज ऑफ वीक. जैसे आपको बताया था डेज ऑफ वीक किसे कहते हैं, डेज ऑफ वीक हफ्ते के नाम. ठीक है, राइट द डेज इन ऑर्डर, हमें यहाँ डेज नेम लिखने हैं. ठीक है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं. कितने दिन होते हैं, 7, और कौन कौन से होते हैं, आइए हम रीड करेंगे और यहाँ लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज मंडे, फर्स्ट इज मंडे, मंडे कहते हैं पीर को. एम ओ एन डी ए वाई, मंडे, मंडे मीन्स पी. सेकेंड इज ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगल. ट्यूसडे की स्पेलिंग टी यू ई एस डी ए वाई, डे, ट्यूसडे. ट्यूसडे मीन्स मंगल. थर्ड इज वेडनेसडे, वेडनेसडे किसे कहते हैं, बुध को. डब्ल्यू ई डी एन ई एस,
वेडनेस डी ए वाई डे वेडनेसडे, वेडनेसडे किसे कहते हैं? बुध को। फोर्थ इज थर्सडे, थर्सडे किसे कहते हैं? जुमेरात को। थर्सडे किसे कहते हैं? जुमेरात को। थर्सडे की स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पर टी एच यू आर एस, थर्स डी ए वाई डे थर्सडे। थर्सडे किसे कहते हैं? जुमेरात को। नंबर फाइव इज फ्राइडे, एफ आर आई फ्राई डी ए वाई डे फ्राइडे। फ्राइडे कहते हैं जुम्मे को, फ्राइडे कहते हैं जुम्मे को। नंबर सिक्स इज सैटरडे, सैटरडे किसे कहते हैं? हफ्ते को। सैटरडे हफ्ते को कहते हैं। सैटरडे की स्पेलिंग एस ए टी यू आर सटर डी ए वाई डे सैटरडे। नंबर सेवन इज संडे, संडे किसे कहते हैं? इतवार को। संडे की स्पेलिंग लिखेंगे कॉलम में एस यू एन डी ए वाई संडे, संडे किसे कहते हैं? इतवार को। इस तरह ये कॉलम आप लोगों को खुद फिल करने हैं, डेज नेम लिखने हैं, ठीक है? व्हाट डे कम बिटवीन, कौन सा डे आता है इस डे से पहले, इस डे के बाद और इस डे से पहले? अब यहाँ कौन सा मौजूद है डे हमारे पास? संडे। तो हम देखते हैं संडे के बाद क्या आता है हमारे पास? मंडे। जिस तरह अभी पीछे आप लोगों ने डेज नेम रीड किए थे और राइट भी किए हैं, आप लोगों को पता होगा संडे के बाद क्या आता है? मंडे। मंडे की स्पेलिंग आइए राइट करते हैं, एम ओ एन डी ए वाई डे मंडे। संडे के बाद क्या आता है? मंडे। मंडे में पी, और ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे। संडे मंडे ट्यूसडे। सेकेंड इज वेडनेसडे, वेडनेसडे की स्पेलिंग डब्ल्यू ई डी एन ई एस वेडनेस डी ए वाई डे वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है हमारे पास? थर्सडे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। और फ्राइडे से पहले क्या आता है हमारे पास? थर्सडे। और थर्सडे की स्पेलिंग, थर्सडे मीन्स जुमेरात। थर्सडे की स्पेलिंग टी एच यू आर एस थर्स डी ए वाई डे थर्सडे। इस तरह आप लोगों को कॉलम में लिखना है। अभी ये सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आता है हमारे पास? सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। और मंडे से पहले क्या आता है हमारे पास? संडे। तो यहाँ संडे की स्पेलिंग लिखनी है हम लोगों को। संडे की स्पेलिंग लिखेंगे इस तरह है एस यू एन डी ए वाई डे संडे। संडे की स्पेलिंग लिखेंगे, संडे मीन्स इतवार। सर हम मंडे, मंडे के बाद क्या आता है हमारे पास? ट्यूसडे। ट्यूसडे कहते हैं मंगल को। और वेडनेसडे से पहले क्या आता है हमारे पास? ट्यूसडे। ट्यूसडे मीन्स मंगल। ट्यूसडे की स्पेलिंग रीड करेंगे टी और राइट करेंगे डी यू ई एस ट्यूस डी ए वाई डे ट्यूसडे। अब है थर्सडे, थर्सडे थर्सडे के बाद क्या आता है हमारे पास? फ्राइडे। और सैटरडे से पहले, सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे, ठीक है? थर्सडे के बाद क्या आता है हमारे पास? फ्राइडे। फ्राइडे की स्पेलिंग एफ आर आई फ्राई डी ए वाई डे फ्राइडे। थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। फ्राइडे कहते हैं जुम्मे को। और सैटरडे, सैटरडे कहते हैं हफ्ते, हफ्ते को। सैटरडे से पहले आता है फ्राइडे। पेज नंबर 35, आइडेंटिफाई
Look at the alphabet and circle the picture which begins with it. Look at the alphabet. हमें alphabet देखने हैं और picture हमें identify करनी है, हमें picture space circle करना है. तो आइए देखते हैं कौन सा alphabet मौजूद है हमारे पास. P. P for jet. P for tree. P for parrot. तो P for क्या है हमारे पास? Parrot. और parrot का circle भी हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है. इस तरह आप लोगों को सर्कल पैरेट पर सर्कल करना हुआ हुआ है, आप लोगों को हाथ फेरना है. सेकंड अल्फाबेट है हमारे पास क्यू. क्यू फॉर कोयल. क्यू फॉर पेंगुइन. क्यू फॉर राइनो. तो हमें क्यू फॉर कोयल. कोयल मीन्स कोयल. तो हमें इस पर क्या करना है? सर्कल करना है. क्यू फॉर कोयल. हमें कोयल पे क्या करना है? इस तरह सर्कल करना है. हमें कोयल पर सर्किल करना है. ठीक है. पेंगुइन. पेंगुइन मीन्स पेंगुइन. और राइनो गेंडा. मीन्स गेंडा. तो क्यू फॉर कोयल. कोयल पे हमें क्या करना है? सर्किल करना है. थर्ड अल्फाबेट इज आर. आर फॉर आउल. आर फॉर रैबिट. आर फॉर बॉक्स. तो आर फॉर बस क्या पिक्चर मौजूद है? रैबिट. आर फॉर आउल में उल्लू. आर फॉर रैबिट. आर फॉर बॉक्स. नो, आर फॉर रैबिट. तो हमें रैबिट पे क्या करना है? रैबिट पे हमें इस तरह सर्कल करना है. ठीक है. पेज नंबर 26. रीड एंड राइट. ठीक है, हमें रीड करना है, राइट करना है. अल्फाबेट मौजूद है हमारे पास पी. पी फॉर पैरेट. पी फॉर पैरेट. पैरेट की स्पेलिंग गिवन है हमारे पास. हमें रीड करनी है. पी ए डबल आर ओ टी. पैरेट. पैरेट मीन्स तोता. पैरेट मीन्स तोता. और हमें यहाँ आपको लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ आपको स्पेलिंग लिखनी है. पी ए डबल आर ओ टी. पैरेट. इस तरह आपको स्पेलिंग लिखनी है. मैंने आपको पहले भी पीछे लिख के दिखाया, हमने पहले भी ये वाला काम किया है. स्पेलिंग्स मैंने आपको लिख के दिखाई है. पी फॉर पेंगुइन. पी ई एन जी यू आई एन. पेंगुइन. पेंगुइन मीन्स पेंगुइन. यहाँ स्पेलिंग इसकी नीचे लिखेंगे. पी ई एन G U I N. Penguin. Penguin means penguin. Second alphabet है हमारे पास Q. Q for quail. Q for quail. Quail means quail. Spelling read करेंगे. Q U A I L. Quail. रीड करेंगे और नीचे कॉलम में लिख देंगे. ठीक है. क्यू यू ए आई एल. कोयल. कोयल मीन्स कोयल. क्यू फॉर कोयल. कोयल मीन्स पर. कोयल मीन्स पर. क्यू U I double L. Quail. Quail means pearl. Q for quail. Quail means quail. Q for quail. Quail means pearl. Third is R. Third alphabet है हमारे पास R. R for rose. Rose means gulab. R O S E. Rose. रोज में गुलाब. नीचे रोज की स्पेलिंग लिखेंगे. आर ओ एस ई. रोज. आर ओ एस ई. रोज. आर फॉर राइनो. राइनो मीन्स गेंडा. आर एच वाई एन ओ. राइनो. राइनो मीन्स गेंडा. आर एच
Y-N-O. Rhino. Rhino means Genda. Page number 27. Vegetables. Vegetables means sabziyan. Pick up the correct name in the box and write it. हमें पिक करने हैं करेक्ट नेम्स वेजिटेबल्स के, बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमें बस यहाँ वेजिटेबल नेम्स मौजूद हैं, हमें पिक करने हैं और यहाँ बॉक्स में लिखने हैं, और हमारे पास वेजिटेबल्स की पिक्चर भी गिवन है हमारे पास। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नेम है हमारे पास टोमेटो, ठीक है। टोमेटो टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो। तो ये कौन सी पिक्चर है मौजूद है हमारे पास नीचे? टोमेटो। तो हम कॉलम में क्या लिख देंगे? टोमेटो की स्पेलिंग टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर, टोमेटो मीन्स टमाटर, सही है। सेकेंड इज लेडी फिंगर। अब हमें यहाँ से लेडी फिंगर की स्पेलिंग पिक करनी है और हमें कॉलम में लिखनी है। लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, लेडी फिंगर कहते हैं भिंडी को। तो हमें यहाँ से वेजिटेबल्स नेम लिखे हुए पिक करनी है स्पेलिंग, और नीचे कॉलम में लिखनी है। लेडी फिंगर कहते हैं भिंडी को। तो आइए हम स्पेलिंग पिक करते हैं और नीचे कॉलम में लिखते हैं। लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, एल ए डी वाई, लेडी फिंगर, ए आई एन जी ई आर फिंगर, लेडी फिंगर। टोमेटो मीन्स टमाटर, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी। थर्ड इज, थर्ड पिक्चर है हमारे पास कैरेट। कैरेट कहते हैं गाजर को। कैरेट किसे कहते हैं? गाजर को। कैरेट की पिक्चर मौजूद है हमारे पास, और स्पेलिंग यहाँ से पिक करनी है। ऊपर से स्पेलिंग हमें पिक करनी है। कैरेट की स्पेलिंग सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट। तो हमें यहाँ पर स्पेलिंग नीचे लिखनी है, देख के सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट। कैरेट मीन्स गाजर, कैरेट मीन्स गाजर। फोर्थ पिक्चर हमारे पास है एग प्लांट। एग प्लांट कहते हैं बैगन को। ई डबल जी एग पी एल ए एन टी प्लांट, एग प्लांट। एग प्लांट कहते हैं बैगन को, ठीक है। आइए यहाँ पे स्पेलिंग सीखते हैं नीचे। एग की स्पेलिंग ई डबल जी एग प्लांट P L A N T eggplant। eggplant means बैगन। थर्ड इज अनियन। अनियन कहते हैं प्याज को। अनियन कहते हैं प्याज को। अनियन की स्पेलिंग O N I O N अनियन। अनियन कहते हैं प्याज को। अब हम यहाँ लिखेंगे इसकी स्पेलिंग O N आई ओ एन अनियन। अनियन कहते हैं प्याज को। लास्ट पिक्चर हमारे पास है पोटैटो। पोटैटो कहते हैं आलू को। पोटैटो की स्पेलिंग पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो। पोटैटो कहते हैं आलू को। यहाँ लिखेंगे पोटैटो की स्पेलिंग पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो। पोटैटो कहते हैं आलू को। पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 फ्रूट्स। फ्रूट्स में फल। पीछे हमने वेजिटेबल्स का पिक्चर थी हमारे पास मौजूद, हमने इसकी स्पेलिंग लिखी थी पिक करके कॉलम में। अब हमारे पास फ्रूट्स हैं। अब क्या है? वही काम हमें यहाँ करना है, पर वहाँ वेजिटेबल्स थे, यहाँ फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में फल। पिक अप द करेक्ट नेम इन द बॉक्स एंड राइट इट। हमें करेक्ट नेम्स पिक करना है नेम, और कॉलम में लिखना है। हमें पिक्चर हमारे पास मौजूद है,
हमें पिक्चर देखनी है, उसकी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। मैंगो, MANGO, मैंगो। फर्स्ट पिक्चर क्या है हमारे पास? मैंगो। तो हम यहाँ कॉलम में किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? मैंगो की। मैंगो की स्पेलिंग MANGO, मैंगो। यहाँ से हम पिक करेंगे स्पेलिंग और नीचे कॉलम में लिख देंगे MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम, मैंगो मीन्स आम। सेकेंड इज ग्रेप्स, सेकेंड इज ग्रेप्स, ग्रेप्स में अंगूर। ग्रेप्स की स्पेलिंग ऐसे पिक करेंगे GREPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स में अंगूर, यहाँ लिखेंगे हम ग्रेप्स की स्पेलिंग GREPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। इसी तरह हमें नीचे पिक्चर में भी इसी तरह करना है, बस पिक्चर गिवन है और हमें पिक्चर देखनी है और अल्फा और पिक्स और स्पेलिंग हमारे पास मौजूद है और हमें पिक करनी है और नीचे लिखनी है, ठीक है। अब पिक्चर है हमारे पास बनाना। किस कौन से फ्रूट्स की पिक्चर है? बनाना की। बनाना की स्पेलिंग हमें ऐसे पिक करनी है, ये लिखी हुई BANANA, बनाना। बनाना मीन्स केला। हम यहाँ लिखेंगे बनाना की स्पेलिंग BANANA, बनाना। बनाना मीन्स केला। पिक्चर हमें मौजूद है, स्पेलिंग पिक करनी है और नीचे कॉलम में लिखनी है इस तरह आप लोगों को। ये फोर्थ पिक्चर हमारे पास है एप्पल। एप्पल कहते हैं सेब को, एप्पल कहते हैं सेब को। आइए एप्पल की स्पेलिंग रीड करते हैं APPLE, एप्पल। एप्पल में सेब। एप्पल की स्पेलिंग यहाँ से पिक करनी है और हमें कॉलम में यहाँ लिख देनी है APPLE, एप्पल। एप्पल में सेब। पिक्चर है हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज में किन्नू, ऑरेंज में किन्नू। हमें स्पेलिंग यहाँ से पिक करनी है ऑरेंज की और इसे कॉलम में लिख देनी है ऑरेंज में किन्नू। ऑरेंज की स्पेलिंग ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज में किन्नू। लास्ट पिक्चर है हमारे पास स्ट्रॉबेरी। लास्ट पिक्चर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी STRABERY, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग यहाँ से रीड करेंगे, पिक करेंगे और नीचे कॉलम में लिख देंगे STRABERY, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी। पेज नंबर 29, आइडेंटिफाई। लुक एट द अल्फाबेट एंड सर्कल द पिक्चर विच बिगिंस विद इट। लुक एट द अल्फाबेट, अल्फाबेट हमें देखने हैं और सर्कल द पिक्चर, पिक्चर पे सर्कल कर दो कौन सी पिक्चर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बस अल्फाबेट है एस, एस अल्फाबेट हमारे पास मौजूद है एस और हमारे पास यहाँ पिक्चर है, पिक्चर मौजूद है। हमें देखते हैं एस फॉर कौन सी पिक्चर है। एस फॉर स्नैक, एस फॉर आर्म, एस फॉर गार्लिक। तो एस फॉर स्नैक, स्नैक पे आपके पास क्या हुआ है सर्कल, तो उस पर आप लोगों को क्या करना है हाथ फेरना है। स्नैक में सांप, ठीक है, और उस पर आप लोगों को हाथ फेर देना है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है सर्कल हुआ हुआ है, इस पर आपको हाथ फेरना है। सेकेंड अल्फाबेट इज टी, टी फॉर क्वेश्चन मार्क, टी फॉर टर्टल, टी फॉर सो।
तो आप लोग बताएं टी फोर कौन सी पिक्चर है गिवन है हमारे पास, टी फोर क्वेश्चन मार्क नो, टी फोर टर्टल यस, टी फोर सो, तो टी फोर टर्टल, टर्टल मीन्स केचवा, टर्टल पे हमें क्या करना है सर्कल करना है। आइए सर्कल करते हैं, इस तरह हम टर्टल पर सर्कल कर देंगे। थर्ड अल्फाबेट इज यू, यू फॉर स्पून, यू फॉर टब, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर स्पून नो, यू फॉर टब नो, यू फॉर अम्ब्रेला यस, यू फॉर अम्ब्रेला। स्पून कहते हैं चम्मच को, टब कहते हैं लट्टू को, और यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहते हैं छतरी को, तो यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छतरी। पेज नंबर 30, रीड एंड राइट, हमें रीड करना है और राइट करना है। अल्फाबेट हमारे पास मौजूद है एस, फर्स्ट अल्फाबेट है एस, एस फॉर सन, एस फॉर सन, सन में सूरज, सन में सूरज, सन की स्पेलिंग रीड करेंगे एस यू एन सन, सन की स्पेलिंग एस यू एन सन, सन में सूरज। आइए स्पेलिंग लिखते हैं S U N sun, sun में सूरज। सेकेंड अल्फाबेट है हमारे पास S, सेकेंड पिक्चर हमारे पास मौजूद है स्पून, sun spoon, S S for spoon, S P double O N spoon, spoon में चम्मच, spoon में मीन्स चम्मच, एस फॉर स्पून, स्पून की स्पेलिंग रीड करेंगे और राइट भी करेंगे एस पी, एस पी डबल ओ एन स्पून, स्पून मीन्स चम्मच। सेकेंड अल्फाबेट इज टी, टी फॉर टर्टल, टी फॉर टर्टल, टर्टल कहते हैं कछुए को, टर्टल कहते हैं कछुए को, टी यू R T L E टर्टल। अब टर्टल की स्पेलिंग इस तरह रीड करेंगे और नीचे राइट करेंगे T U R T L E टर्टल, टर्टल में स्केच हुआ। यहाँ पर टर्टल की स्पेलिंग रीड करेंगे और राइट करेंगे T for टमाटो, टमाटो में टमाटर, T O M A T O टमाटो, टमाटो मीन्स टमाटर। अल्फाबेट मौजूद था टी, टी फॉर टर्टल, टर्टल मीन्स केचवा, टी फॉर टमाटो, टमाटो मीन्स टमाटर। इसकी स्पेलिंग रीड करेंगे और नीचे राइट करेंगे टी ओ एम ए टी ओ टमाटो, हम यहाँ लिखेंगे टमाटो। थर्ड अल्फाबेट इज यू, यू फॉर अर्न, अर्न मीन्स अर्न, यू आर एन अर्न, अर्न मीन्स अर्न, स्पेलिंग रीड करेंगे और नीचे राइट करेंगे यू आर एन अर्न, अर्न मीन्स अर्न। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छतरी, अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छतरी, यू एन बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में छतरी, अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू एम बी आर ई डबल एल। ये तमाम काम आप लोगों को इसी तरह अपनी बुक में सफाई के साथ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। छतरी।